तो कुछ लोग रिवर साइड खड़े हैं जो इस तरीके से नहीं खड़ा होना चाहिए, ये भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है इनके लिए। इसी तरीके से लोग घूमते रहते हैं कोर्ट टाइगर टेटी में, जो हो सकता है काफ़ी ख़तरनाक इनके लिए। गाड़ी आ रही है कंटिन्यू, ये देखिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। दोस्तों हमारा बेसिकली जो ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है दुर्गा देवी गेट के आसपास से है, आप देख सकते हैं, और रास्ते में जो भी वाइल्ड लाइफ मिलेगी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रात के वक्त यहाँ पर वाइल्ड लाइफ निकलती है रोड किनारे, आप देख सकते हैं, और कहीं से भी टाइगर और लेपर्ड की दस्तक हो सकती है। तो कंटिन्यू हमारी निगाहें बनी हुई हैं सामने की तरफ, और रास्ते में जो भी वाइल्ड लाइफ मिलेगी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं आसपास का व्यू, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, घनघोर अंधेरा हो चुका है दोस्तों दुर्गा देवी गेट के आसपास के एरिए का। ऐसे ही दोस्तों वाइल्ड लाइफ बैठी रहती है रोड किनारे, जैसे कि टाइगर और लेपर्ड, फिर अग्रेसिव होकर कभी कभार हमला भी कर देता है बाइक वालों पर। एक मैं आपको रियल स्टोरी सुनाता हूं कि एक बाइक पे एक व्यक्ति जा रहा था और अचानक से उसके ऊपर टाइगर ने अटैक कर दिया इसी मोड़ पर। ये जो मोड़ आएगा ना दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर गाड़ी स्लो हो जाती है और इस जगह बैठा था बिल्कुल टाइगर, और यहाँ पर टाइगर ने झपटा मारा उसके ऊपर और उसकी गाड़ी बिल्कुल पूरी तरह गिर गई। और फिर वो तो उसने हल्ला मचाया, बहुत ज़ोर से शोर शोर मचाया, और अचानक से कुछ कार वाले आए और फिर उसकी जान बची दोस्तों, नहीं तो टाइगर उसको पूरी तरह किल कर देता। और मौसम की बात करें तो मौसम बहुत सुहाना हो रहा है इस समय, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और अभी हमने डबल जैकेट पहन ली है दोस्तों, क्योंकि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, शाम का वक्त हो चुका है और धीरे धीरे रात भी होने लगी है। और काफ़ी सब्सक्राइबर की डिमांड आ रही थी कि आप नदीम जी जंगल नाइट ड्राइव ब्लॉग बनाओ, तो इसलिए हमने जंगल नाइट ड्राइव ब्लॉग बनाया दोस्तों, आप देख सकते हैं। बहुत ही ख़तरनाक एरिया है दोस्तों, ये माना जाता है काफ़ी ख़तरनाक एरिया माना जाता है, क्योंकि तो ऐसे ही वाइल्ड लाइफ कभी कभार रोड पर आ जाती है, जैसे कि टाइगर और एलिफेंट। यहाँ पर एलिफेंट का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, और सामने आ रही है एक प्राइवेट बस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कई बार हमें यहाँ पर जंगली सुअर भी दिखाई दिए हैं, वाइल्ड बोर। ऐसे ही मोड़ पर रोड किनारे कुछ भी मिल सकता है, इसलिए जब भी ये मोड़ आते हैं तो दिल में धक-धक होती है कि आगे कहीं टाइगर या लेपर्ड या एलिफेंट वगैरह ना हो, ये तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं दुर्गा देवी गेट। नाइट में भी काफ़ी रोड चलता है दोस्तों, ये देखिए सामने एक गाड़ी और आ रही है, आप देख सकते हैं, जो जाते हैं पहाड़ों पर सवारियां लेकर। जहाँ पर हल्की हल्की लाइट चल रही है, और यहाँ पर टाइगर साइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त होती है।
ये देखिए आप दोस्तों सामने, ये दुर्गा देवी गेट है, काशीपुर है दोस्तों। यहाँ से 55 किलोमीटर दूर आप देख सकते हैं, जैसे सामने बाइक जा रही है ऐसे ही टाइगर या लेपर्ड कभी कभार हमला भी कर देता है। और ये पूरा एरिया को टाइगर टेरिटरी है, कहीं से भी टाइगर और लेपर्ड की दस्तक हो सकती है। और हमारे पिछले ब्लॉग में तो यहाँ पर कुछ लोग पैदल घूम रहे थे, कुछ टूरिस्ट लोग थे यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके और यहाँ पर पैदल घूम रहे थे, जो कि हो सकता है उनके लिए काफ़ी खतरनाक। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का एरिया है, वाइल्ड लाइफ का घर है, कहीं से भी आ सकती है। और दोस्तों एक ख़ास बात, आप कभी भी यहाँ घूमने आएँ तो अपने गाड़ी की गति बिल्कुल धीमी रखें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्रॉस करके जाती है दूसरे वाले पेज में, जैसे कि स्पॉटेड डियर, सामर डियर और बाकी वन्य जीव, तो वो चोटिल भी हो सकते हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अगर वो चोटिल होए तो आपको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक बार हमें लेपर्ड क्रॉस करते हुए दिखाई दिया था, बहुत कम कैमरे में कैद हुआ था दोस्तों, इसी वाले पेज में, जो मोड़ आने वाला है ना, इसी वाले पेज में लेपर्ड क्रॉस करते हुए गया था नीचे पहाड़ी की साइड। तो ये जब भी मोड़ आते हैं तो बहुत अजीब सा महसूस होता है कि कहीं आगे लेपर्ड या टाइगर या पहाड़ी बाघ ना हो। और यहाँ पर एलिफेंट का काफ़ी दबदबा है, अगर एलिफेंट गाड़ी के आगे आ जाए और वो अग्रेसिव हो तो तोड़ फोड़ भी कर देता है, उससे जो यात्री या टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो काफ़ी चोटिल भी हो सकते हैं। तो कभी भी आपको एलिफेंट वगैरह मिले तो आप अपनी गाड़ी बहुत दूरी पर खड़ी कर लें, उसके पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना करें, नहीं तो वो गाड़ी तोड़ फोड़ भी कर सकता है। बहुत ठंडी महसूस हो रही है यहाँ पर, बहुत ठंड हो रही है पहाड़ों में, क्योंकि बिल्कुल नेचर यहाँ की वायु है और जीरो पॉल्यूशन है यहाँ पर। थोड़ा और आ चुके हैं हम आगे की तरफ, जगह जगह साइन बोर्ड लगे हैं सावधान, ये हाथी बाहुल्य क्षेत्र है। सामने गाड़ी आ रही है कंटिन्यू, क्योंकि काफ़ी रोड चलता है शाम के वक्त भी, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी गाड़ियाँ काफ़ी आती हैं यहाँ पर, ऊपर खाने पीने का सामान जाता है, जो शॉप वगैरह होती हैं। ठंड की बात करें तो ठंड इतनी महसूस हो रही है यहाँ पर जबकि बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है, बहुत जल्दी दिसंबर का महीना भी आ जाएगा, इससे क्या होता है ऐसे में ठंड धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ये पानी के रपटे हैं दोस्तों, यहाँ पर जब बारिश पड़ती है तो बहुत ज़ोरदार पानी आता है,
काफ़ी बार तो देखा गया है कि कुछ लोग आते हैं और बारिश पड़ती है कंटिन्यू, तो जो रफ्टे होते हैं ना उनमें काफ़ी फ्लो के साथ पानी आता है, तो इसकी वजह से उनकी गाड़ियाँ भी बह जाती हैं रिवर साइड। और कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है, कुछ लोग घायल भी हो चुके हैं। जैसे इतने पत्थर पड़े ना साइड में जब पहाड़ों से आते हैं ऊपर की ओर से नीचे की ओर, और यहाँ पर बहुत जल्दी काम चलने वाला है रोड चौड़ीकरण का। रोड यहाँ पर बहुत जल्दी चौड़ी होने वाली है जिससे कि ट्रैफिक को या ट्रैफिक जो गाड़ियाँ होती हैं उनको आने जाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि जब रोड छोटी होती है तो एक गाड़ी को नीचे वाली साइड उतरना पड़ता है फिर दूसरी वाली गाड़ी निकलती आ गई हो। और सामने की तरफ है दोस्तों एक बोर्ड, यहाँ पर लिखा है बाघ हाथी बाघ, यह बाघ एक हाथी प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर गाड़ी रुकना बहुत सख्त मना है, वो बिल्कुल जंगल बना जाए आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल कोट टाइगर टेरियर है दोस्तों, हम ऐसे नहीं कहते कोट टाइगर टेरियर है, यहाँ पर आसपास बाघ की दस्तक है। आप देख सकते हैं आसपास का व्यू नाइट में जंगल हमारा बेसिकली जो ब्लॉग होने वाला है दोस्तों ये जंगल नाइट ड्राइव का ब्लॉग होने वाला है। काफ़ी सब्सक्राइबर की डिमांड आ रही थी कि आप जंगल नाइट ड्राइव ब्लॉग बनाओ, तो उन्हीं की फरमाइश पर हमने जंगल नाइट ड्राइव ब्लॉग बनाया है। पानी का रफ्ता यहाँ भी है दोस्तों, यहाँ पर कई बार टाइगर की दस्तक देखी गई है। तो देखिए कुछ लोग अब भी यहाँ पर खड़े हैं अंदर रिवर साइड में, जो अंधेरा होने के कारण नहीं दिख पा रहे, पर पता नहीं वो क्या कर रहे हैं इतनी रात में, जो कि हो सकता है उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और दूसरी साइड है रिवर साइड, यहाँ पर पानी की आवाज़ आ रही है काफ़ी फ्लो के साथ। हम जो भी हमारे ब्लॉग देखते हैं, जो आसपास के लोग लोकल हैं जो यहाँ काम करने के लिए आते हैं, यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर बजरी वगैरह ईंटें वगैरह भी रखे हैं। तो आप विशेष ध्यान दें कि पहाड़ों का मौसम तो बहुत अच्छा होता है मगर शाम के वक्त वाइल्ड लाइफ काफ़ी सक्रिय हो जाती है। और फिर ऐसे ही आप रिवर साइड जाते हैं जैसे कि वॉशरूम करने के लिए, तो आप पे अटैक भी कर सकती है, तो इसका आप विशेष ध्यान दें। बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं मोहन विलेज, वहां का भी आपको व्यू दिखाते हैं। देखिए फिर एक रफ्ट आ गया, यहां पर भी काफ़ी फ्लो के साथ पानी रहता है जब बारिश होती है पहाड़ों पर ज़ोरदार। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम मोहन विलेज, देख सकते हैं आप सामने, यहां पर मोहन चौकी भी है सामने, आप देख सकते हैं कुछ गाड़ी आ रही है कंटिन्यू, ये देखिए। कोट टाइगर टेटी में लोग खड़े रहते हैं, एक तरफ है आबादी वाला क्षेत्र और दूसरी तरफ है कोट टाइगर टेटी, ये देखिए आप दोस्तों सामने, इसी तरीके से लोग घूमते रहते हैं कोट टाइगर टेटी में, जो हो सकता है काफ़ी ख़तरनाक इनके लिए। यहाँ पर ये मोहन विलेज है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रिजोर्ट भी हैं, आप कभी भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो इस ब्लॉग को लाइक करें कमेंट करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोजाना की तरह हमारा वीडियो अपलोड होने का समय है सुबह 7 बजे का, तो आप देखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।